बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सोमवार को लखनऊ में यूनिसेफ के ऑफिस का दौरा किया। उन्होंने कंपोजिट स्कूल औरंगाबाद और एक आंगनवाड़ी केंद्र का भी दौरा किया, जहां उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की। अपनी यात्रा पर प्रियंका को उत्तर प्रदेश में लड़कियों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को खत्म करने के लिए यूनिसेफ और उसके सहयोगियों के किए गए कामों को देखते हुए देखा गया। इस बीच प्रियंका के लखनऊ आने पर उनके साथ एक घटना भी हो गई और साथ ही उनके यहाँ आने पर जमकर विरोध हो रहा है। इसका कारण क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जब प्रियंका चोपड़ा लखनऊ के 1090 चौराहे पर थी, तो उनसे मिलने के लिए 1090 विमेन पावर लाइन की दीवार फांदकर एक युवक आ गया, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही एक संगठन प्रियंका के लखनऊ दौरे को लेकर यू आर नॉट वेलकम सिटी ऑफ नवाब्स के शहर भर में पोस्टर लगा रहा है। गोमती नगर में प्रियंका के बॉयकॉट के पोस्टर लगाए गए हैं। इससे साफ जाहिर है कि कुछ लोगों को प्रियंका के लखनऊ आने पर खुशी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका का कहना है कि वह लखनऊ में आकर खुश हैं। चोपड़ा ने कहा, अभी मैं यूनिसेफ के लिए लखनऊ में हूँ। मैं वास्तव में इस जगह के दौरे का इंतजार कर रही हूँ। मैंने अपने बचपन के कुछ साल लखनऊ के स्कूल में बिताए हैं। मेरे यहाँ परिवार और दोस्त हैं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।